नमस्कार, अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन, और इसमें हम क्रिस्टलाइन जल के बारे में पढ़ रहे थे। क्रिस्टलाइन वाटर, इसमें पढ़ा था कि यदि कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जल के अणु है, जो उसके सूत्र के अंदर लगे हुए हैं, वो जल क्या होता है? क्रिस्टलाइन जल होता है। इसमें हमने एक उदाहरण भी देखा था, धावन सोडा का, धोने के सोडा का, ठीक है, Na2CO3.10H2O, क्रिस्टलाइन जल। .10H2O, ये एक उदाहरण देखा था हमने। इसका सूत्र है, किसका सूत्र है? ये धोने का सोडा, ये है धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा जो धोने के काम में आता है। अगला देखिए उदाहरण, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये है, ये देखो जल के दो अणु यहां पर लगे हुए हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ। जिप्सम का सूत्र है CSO4.2H2O, ठीक है। अगला देखिए CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ये है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट के साथ है, जल के 5 अणु लगे हुए हैं, नीला थोथा, ठीक है, ब्लू विट्रॉल। तो ये कॉपर सल्फेट .5H2O, इसके साथ भी कितने अणु लगे हुए जल के? 5। ये डॉट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहां पर भी मैं, यहां पर भी थोड़ा बड़ा और यहां पर भी थोड़ा बड़ा, जिससे आपको क्लियर दिखने लग जाए। आप बोलने लग जाते हो बीच बीच में कि दिख नहीं रहा है, तो हमें तुरंत उसको ठीक करना होता है, ठीक है। अगला देखिए K2SO4.Al2SO4 whole thrice.24H2O, यह एक सूत्र है, आपके सामने आ चुका है, K2SO4.Al2SO4 whole thrice.24H2O, यह सूत्र है एलम का। ये सूत्र हमें याद भी करने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं एलम, ये सूत्र है फिटकरी का, ये हमें याद भी करने हैं परीक्षा में, सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग का प्रश्न का आ चुका है कि इनको मैच द फॉलोइंग कीजिए, मतलब निम्न का मिलान कीजिए, एक साइड कुछ नाम लिखे हुए थे और दूसरी साइड सूत्र लिखे हुए थे, उनसे उनका मिलान करना था, तो वहां पर भी ये प्रश्न आप किस तरह के मिल सकते हैं, और जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के, उनमें भी मिल सकता है कि फिटकरी का एक सूत्र लिखिए, तो वहां आपको ये लिखना होगा K2SO4.Al2SO4 whole thrice.24H2O, ठीक है। संयुक्त लवण है ये, संयुक्त लवण मतलब इसमें एक से ज्यादा प्रकार के यहां मिले हुए हैं। देखो पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये दोनों अलग अलग हैं, दो लवण है, संयुक्त लवण है, ठीक है। तो ये है क्रिस्टलाइन जल के बारे में, यहां पर आपको सारी चीज क्रिस्टलाइन जल के बारे में आ चुकी है, और उदाहरण भी खूब सारे आ चुके हैं क्रिस्टलाइन जल के। अब अम्ल और क्षार को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए जो अम्ल क्षार है, अम्ल क्षारों में कई चीजें हैं जो हमने परिभाषाएं पढ़ी उनमें नहीं आई। पहले जो हमने क्या किया, हमने तो बेसिक चीजें पढ़ी थी उसकी, अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा होगा और नीले लिटमस को लाल करेगा, वो अम्ल कहलाएगा। इस तरह हमने क्षार पढ़ा था, सूत्र बड़े बड़े देखने लग गए आपको, इनको कर लें आप। ऐसे हमने एक क्षार पढ़ा था, तो क्षार में भी हमने क्या था, कुछ सामान्य सामान्य बातें ही देखी थी, ठीक है, जैसे स्वाद में कड़वे है और लिटमस परीक्षण है। लेकिन इनकी अन्य परिभाषा भी है, अम्ल और क्षार की कुछ अन्य परिभाषा भी है जिनके प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते रहते हैं, ठीक है। तो अम्ल क्षार को तीन प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, एक आरणीय सिद्धांत, एक ब्रॉनस्टेट लॉरी सिद्धांत और एक लुईस संकल्पना। तो अम्ल क्षार की जो ये अन्य परिभाषा है वो अब हम देखेंगे। अम्ल क्षार की अन्य परिभाषाएं,
सामान्यतः पता चल चुका है एसिड क्या है, एसिड डस्ट शब्द से बना हुआ है। अब देखेंगे हम अम्ल क्षार की अन्य परिभाषा है, ठीक है। अन्य परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा आएगी ऑरेनियस सिद्धांत। पहली कौन सी आएगी? ऑरेनियस सिद्धांत। सबसे पहला है आरेनियस थ्योरी या आरेनियस सिद्धांत, ठीक है। देखो आरेनियस ने क्या कहा है, आरेनियस ने पदार्थों को पानी के अंदर घोला। जब पदार्थ किसी पदार्थ को पानी में घोला, पानी में घोलने पर मान लो वह पदार्थ H प्लस आयन देता है, क्या दे रहा है? H प्लस आयन, तो वह अम्ल कहलाएगा। और यगर और अगर वही पदार्थ OH माइनस आयन देता है तो वो क्षार कहलाएगा। यह आरेनियस का सिद्धांत था। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, सिंपल स्वाद पढ़ लिया और लिटमस परीक्षण पढ़ लिया। अब मान लो यह भी तो हो सकता है कि किसी पदार्थ का स्वाद जैसा हमने पढ़ा वैसा ना हो, लिटमस परीक्षण तो वो देगा लेकिन स्वाद वैसा ना हो, कुछ और गुण भी उसके अंदर हो सकता है। तो वो अलग अलग गुण है, उन गुणों के आधार पर इनको तीन अलग परिभाषा और दी गई है। यहां पर तीन परिभाषा है। तो पहली इसमें से हम देख रहे हैं आरेनियस सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन, क्या कहलाएंगे? H प्लस वाले क्या कहलाएंगे? अम्ल, ठीक है। और जो OH माइनस आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ, वो कहलाएंगे क्षार। ठीक है, तथा वे पदार्थ जो OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। तो ये आरएनएस के नियमानुसार, आरएनएस के अकॉर्डिंग अम्ल क्षार की परिभाषा हुई कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं वे, यहां अम्ल रह गया, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो लिखा ही नहीं हमने यहां, तो यहां हमें लिखना पड़ेगा अम्ल कहलाते हैं। थोड़ा छोटा कर दूंगा इसको, H प्लस अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्योंकि अम्ल हम बोल ही बोल रहे हैं, उसको लिखना भी तो पड़ेगा। तो ये हो गया यहां पर अम्ल कहलाते हैं और ये है क्षार कहलाते हैं। तो दो परिभाषाएं आ गई हैं, अम्ल की और क्षार की। तो ये है आरेनियस सिद्धांत। अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम इसके। लिख लें आप परिभाषा, उदाहरण मैंने लिया H2SO4, इसको मैंने पानी के अंदर घोला,
या मैं सीधा लिखूं कि ये एक्वस अवस्था में, एक्वस लिखते हैं जलीय के लिए, जलीय विलयन, जब इसको पानी में डालेंगे तो इसको हम एक्वस लिखा जाएगा। तो वहां ये किस तरह से मिलेगा, वह मिलेगा एच प्लस प्लस एसओ फोर माइनस टू और एच प्लस के कितने आयन मिलेंगे, दो, अगर इसका एक अणु है तो। इसके एक अणु से दो एच प्लस आयन मिलेंगे और एक एसओ फोर माइनस टू आयन मिलेगा, तो जल में कौन सा आयन रहेगा, एच प्लस। अब देखिए जल के अंदर एच प्लस आयन स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, यह एच प्लस आयन क्या करेगा, जल के अणु के साथ क्रिया करेगा और यह बदल जाएगा H3O+ के रूप में। तो जल के अंदर H+ आयन H3O+ के रूप में मिलेगा, लेकिन हम ये भी वहां स्थाई नहीं है, ये ब्रेक होता रहेगा H+ और H2O के अंदर, इसलिए हम इसको H+ के रूप में यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए HNO3, वो एक्वस कंडीशन में लेंगे, जब एक्वस में लेंगे या फिर इसको लेंगे, मैं दोनों तरह के रिएक्शंस यहां पर आपको करके दिखा देता हूं। ठीक, अगर मैं इसको पानी में घोलूंगा प्लस H2O, तो हमें मिलेगा H3O प्लस प्लस NO3 माइनस, ये है, ये किसका रूप है, ये H+ आयन का रूप हो गया यहां पर, H3O प्लस किस आयन का रूप है, H+ आयन का रूप। तो ये हमें H+ मिला किससे, HNO3 से, तो ये भी क्या है, अम्ल है, ये भी अम्ल हो गया। ऐसे HCl हमने ले लिया, H2CO3 घोलिए जल में इसको, H2CO3 को आप जल में घोलिए, घोला क्या क्या बना, देखिए जब H2CO3 को जल में घोला जाएगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, H2CO3 जल में घोला जाएगा, एक तो बनेगा H+, इट मींस H3O+ आयन, और एक बनेगा HCO3- आयन, दो प्रकार के आयन यहां पर बन चुके हैं। हो गया ठीक। HCl का उदाहरण देखो, मैं बोल रहा था अभी HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको पानी के अंदर घोला तो H प्लस प्लस Cl माइनस आयन में ये विभक्त हो गया, टूट गया। अब ये H प्लस आयन किस रूप में मिलेगा हमें, वह पानी के अंदर H3O प्लस के रूप में, H प्लस आयन अस्थाई रहेगा पानी के अंदर और ये जल्दी से जल से अभिक्रिया करेगा, ये हो रही है यहां पर, और क्या बना लेगा H3O+, तो ये भी है H3O+ के रूप में हमें होगा। तो ये इसके उदाहरण हुए अम्ल के, उदाहरण भी किसके हैं, अम्ल के। अभी हम क्षार के भी देखेंगे, अब देखते हैं क्षार के उदाहरण। इनके नाम भी, सबके नाम बिल्कुल सही कहा आपने, इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 का नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, इसका HCl का नाम पहले से पता है आपको, कहां पाया जाता है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के शरीर के एक भाग में होता है, कल बताया था आपको, कहां पाया जाता है, जठर रस के अंदर। तो ये है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इनके नाम हो गए सबके। अब हम बढ़ेंगे क्षारों की तरफ। क्षार में देखिए क्षार के उदाहरण NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, CaOH हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो जल में कैसे ब्रेक होंगे, सबको ही ब्रेक कर देता हूं मैं और सबके नाम भी लिख देता हूं यहां पर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na प्लस प्लस OH माइनस में कौन सा आयन मिला? OH माइनस आयन। अब आपको याद रखने के लिए कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार है, नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। HCl बोल दिया, जैसे H2SO4 बोल दिया या HNO3 बोला, तो नाम तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन अम्ल क्षार पहचानने के लिए आप काम में ले सकते हैं यहां OH है, यहां OH है, यहां OH है, लेकिन यहां क्या है? H। H2SO4 में भी वहां H, देखो लिखा मैंने H2SO4। अब आप दो लिखे हो जाए, मान लो आपको एक H2SO4 मिल जाए और एक KOH मिल जाए, तो आप ये ध्यान रखेंगे यहां H है, वहां OH का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं दिख रहा है, यहां OH हमें दिखाई दे रहा है। ये इसी परिभाषा में है, अन्य परिभाषाओं में ऐसा नहीं रहेगा, वहां फिर बदल जाएगा सिस्टम। तो यहां तो आप इस तरह से याद इनको कर सकते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, इसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था, जैसे HNO3 लिया, वहां पर भी एच है दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो अम्ल है और ये क्षार है। और एग्जाम्पल CSOH, देखो इस ये ब्रेक होगा के प्लस प्लस ओ एच माइनस में, ये बन गया ओ एच माइनस आयन, ये ब्रेक होगा कैल्शियम प्लस टू प्लस ओ एच माइनस दो आयन बनेंगे, ये इस तरह से ब्रेक हो रहा है। तो जैसे ही यहां पर इनको जल के अंदर डाला गया, एक्वस कंडीशन में इनको डाला गया, तो यहां पर क्या हुआ, ये अपने OH माइनस आयन दे रहे हैं सभी के सभी, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, इसका मतलब तीनों क्या है? क्षार है। तो ये तो रहा अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रबल अम्ल है कौन सा दुर्बल अम्ल है, इसका मतलब ये कैसे निर्धारित करें कि कौन सा प्रबल रहेगा और कौन सा दुर्बल रहेगा, तो वो हम देखेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
केवल स्वागत है आपका। देखिए अब ब्रेक से पहले हम बात करना चाह रहे थे कि कौन सा अम्ल प्रबल होगा और कौन सा अम्ल दुर्बल होगा। ये तो हमने देख लिया कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है अकॉर्डिंग टू आरेनियस, लेकिन अब हमें यह देखना है कि विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच इज वीक एसिड। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सिद्धांत बनाना पड़ेगा, हमें कोई एक नियम डेवलप करना पड़ेगा। तो देखिए जब हमने किसी अम्ल को या क्षार को जल के अंदर घोला, ठीक है, और हमने देखा कि उसका आयनन मतलब वो पूरी तरह से अपने आयनों में विभक्त हो चुका है। मान लो हमने जैसे 1 ग्राम लिया तो उसके 1 ग्राम पूरे के पूरे आयन्स में विभक्त हो चुके हैं। मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, वो 99 मॉलिक्यूल्स उसके आयन्स में विभक्त, कंप्लीटली तो खैर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम ये मान लें कि उसके 99 मॉलिक्यूल्स आयन्स में विभक्त हो चुके हैं। जैसे मैंने लिया H2SO4 अम्ल, ठीक है, और इस H2SO4 को मैंने जल के अंदर घोला और पता चला कि H2SO4 पूरा का पूरा किस में बदल चुका है, H+ और SO4- आयन में बदल चुका है। इसका मतलब उसका पूर्णतः आयनन हो चुका है। तो वह अम्ल जिसका जिसको जल में घोलने पर पूर्णतः अपने आयनों में विभक्त हो जाता है वह तो प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जो पूर्णतः अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा, जैसे मैंने लिया CH3COOH, अब यहां से दो बनेंगे, एक तो CH3COO- आयन, दो तरह का आयन बनेंगे। अब जब ये पूरा का पूरा, मान लो मैं इसके ले लेता हूं 100 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने और मुझे पता चला कि 100 में से 60-70 मॉलिक्यूल्स या और उससे भी कम इसके आयनों में विभक्त हो, इसका मतलब हम इसको पूर्ण आयनन नहीं कह सकते, लगभग आधा ही हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। तो ये होगी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा अकॉर्डिंग टू आरेनियस सिद्धांत। मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, पहले मैं यहां आगे बढ़ता हूं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की तरफ, ठीक है। तो देखिए वे अम्ल या क्षार, इसी में आप नीचे लिखिए उदाहरणों के बाद, वे अम्ल या क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है, जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयन हो जाता है, प्रबल अम्ल, अगर अम्ल लिया है तो अम्ल, या प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहलाते हैं, जिनका पूर्णतः आयनन होगा। उदाहरण देखते हैं हम प्रबल अम्ल के, पहले तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HClO4 परक्लोरिक एसिड, HClO4। ये कुछ प्रबल अम्लों के उदाहरण यहां पर हमने लिखे हैं और हमें याद भी करने हैं, क्योंकि जो मैच द फॉलोइंग का जो प्रश्न आया था उसमें प्रबल अम्ल लिखा हुआ था इधर और उधर आपको छांटना था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रबल अम्ल होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ दुर्बल के नाम भी यहां पर आपको मिल सकते हैं। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं प्रबल क्षारों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड,
ये उदाहरण है प्रबल क्षार के, इस तरह के भी आपको ध्यान रखना है। और यदि आप देख रहे होंगे कि मैंने जो फर्स्ट ग्रुप है ना, पहला ग्रुप पावर सारणी का, उसी के सारे हाइड्रोक्साइड लिए हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रूबियम, उनके लिए मैंने। अगली लाइन दुर्बल के लिए। अब दुर्बल के लिए थोड़ा सा चेंज करना होगा, जिनका पूर्णतः आयनन नहीं होता, बस इतना सा लिखना है यहां पर, वो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहलाते हैं, ठीक है। वे अम्ल या क्षार जिनका जलीय विलयन में, अरे आपको पता है लेकिन मुझे लिखने दो यहां, जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन नहीं होता, दुर्बल अम्ल या क्षार कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल या क्षार कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, पहले दुर्बल अम्ल के और फिर दुर्बल क्षार के। CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। मैं सूत्र नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमें उसका सूत्र याद नहीं करना है। लैक्टिक अम्ल, ये कैसे अम्ल है, दुर्बल अम्ल। जितने भी जो अम्ल है जो हम खाने में हमारे काम आते हैं वो सभी दुर्बल अम्ल ही है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, सारे दुर्बल अम्ल। एक अम्ल और लिख देता हूं मैं, ऑक्जेलिक अम्ल। इस लैक्टिक को ठीक करूं, चलो चलो ठीक कर देता हूं, ये लिए लैक्टिक अम्ल। एक अम्ल का सूत्र आपको याद करवाना है, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल वो भी कैसा है, दुर्बल अम्ल ही है, ऑक्जेलिक। इसका सूत्र होता है COOH और दोबारा से COOH। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है COOH का होल ट्वाइस, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। सही संरचना इसकी इधर बनाई हुई है जो आप देखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अब आती है बात दुर्बल क्षारों की। अम्ल दुर्बल क्षार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH all twice, ये दुर्बल क्षारों के दो। इसका नाम पहले आ चुका है, इसका मैं लिख देता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH all twice।
अब ये परिभाषा तो हमने पढ़ ली आरएनएस की, लेकिन अब दूसरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी या लुईस कंसेप्ट आया, लेकिन क्यों आया उसका पता हमें होना चाहिए ना। तो इस परिभाषा की कुछ कमी रह गई, इस सिद्धांत की कुछ कमी थी। इस सिद्धांत की कमी क्या थी कि वे अम्ल या क्षार जो जलीय विलयन में H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देते उनकी ये व्याख्या कैसे करेगा। मान लो कोई ऐसा अम्ल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय होती है, वो जल में घोल लो कितना ही घोल लो H प्लस आयन नहीं देगी, तो उसका कैसे पता चलेगा। या फिर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया को अगर जल में घोला जाएगा तो अमोनिया OH माइनस आयन नहीं देगी, जबकि अमोनिया क्षारीय होती है। इसका मतलब उसका तो इसके बारे में इन्होंने उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, इसलिए ये इस सिद्धांत की कमी हो गई। और इसकी जब कमी होगी तभी नया सिद्धांत आएगा उस कमी को दूर करने के लिए। तो अब हम लिख लेते हैं इसकी कमी, इसकी क्या कमी है, आरएनए सिद्धांत की कमी। कमी में लाल से लिखा है, थोड़ा सा आपको फैट दिखेगा लेकिन दिख जाएगा, ठीक है। देखिए आरएनए सिद्धांत उन अम्ल एवं क्षारों की व्याख्या नहीं करता जो जलीय विलयन में H प्लस या OH माइनस आयन नहीं देते। तो ये इसकी कमी होगी। उदाहरण जैसे NH3, NH4 प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO2, सल्फर के डाइऑक्साइड, इनकी यहां पर व्याख्या नहीं की जा सकती थी आरएनए सिद्धांत से, इसलिए अब नया सिद्धांत आएगा इस कमी को दूर करने के लिए। सही होता है, कोई कमी रह गई तो फिर नई थ्योरी आएगी। तो नई थ्योरी हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट या ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना। इसको आप नोट करते रहे। ब्रॉन्स्टेड स्टेट लॉरी संकल्पना, नंबर दो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने OH माइनस को हटाई दिया वहां से। इन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो H प्लस आयन या प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो H प्लस आयन या प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार कहलाते हैं। समस्या ही दूर कर दी OH माइनस की। देखिए वे पदार्थ जो H प्लस या प्रोटॉन, उन्होंने इसको प्रोटॉन कहा, देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तथा जो H प्लस यानी प्रोटॉन ग्रहण करते हैं
क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब इस अभिक्रिया में एक संयुग्म बनेगा, एक जोड़ा बनेगा। एक कोई पदार्थ होगा जो H प्लस ग्रहण करेगा और उसके साथ ही दूसरा पदार्थ होगा वो H प्लस देगा। अगर मैं उदाहरण देखूं, देखिए उदाहरण लिया मैंने H2O प्लस NH3। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक तो बनेगा NH4 प्लस और एक बनेगा OH माइनस। इसका मतलब एक पदार्थ ने तो H प्लस ग्रहण कर लिया लेकिन दूसरे पदार्थ ने H प्लस डोनेट कर दिया, दे दिया। अब हम देखें यहां पर, तो देखो मैं अलग अलग देख रहा हूं कि यहां से तो H प्लस, देखिए इधर H2O था गया तो ये तो है H प्लस दाता, लेकिन यहां देखिए H प्लस इसने ग्रहण कर लिया, H प्लस ग्रहण करता, ग्रहण करता क्या कहलाएगा, ग्रहण करता कहलाएगा क्षार, ग्रहण करता तो कहलाएगा क्षार, ये तो हो गया क्षार, और जिसने H प्लस दिया है वो हो गया अम्ल, और दोनों एक साथ हैं, देने वाला और लेने वाला दोनों एक साथ हैं। इसका मतलब एक संयुग्म बन गया, एक जोड़ा बन गया। तो यहां पर आएगा अभी संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत आएगा, वो हम अगली क्लासेस में लेंगे। यहां तक आप इसको नोट कर लें, कुछ सेकंड्स का टाइम आपको दिया जा रहा है। H2O plus NH3 is equal to NH4 plus plus OH minus, ये तो H plus दाता है तो ये तो अम्ल हो गया, H plus गिराइए तो ये क्षार हो गया। आगे सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लासेस में। नमस्कार।